वेलकम बैक बच्चों, इन चैप्टर ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बात जो किया था ना, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या क्या होते हैं। हमने बात किया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में, राइट। तो आज के लेक्चर में ना जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो अगर बात करें तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस हम क्या था, दो टाइप के थे जो, सॉरी, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में आपको वो था। अगर हम बात करें लाइट रिएक्शंस के बारे में, तो इसमें हमने एक टाइप बात किया था जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का ना हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस ये किया हुआ था कि एक साइकिल जो साइकिल परफॉर्म करता है। इम्पोर्टेंट हमें याद क्या रखना है, हमें याद ये रखता है कि जो साइट ऑफ प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर पानी कहाँ टूटता है, पानी टूटता है ल्यूमेन के अंदर, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, ठीक। दूसरी बात है, इस पानी को तोड़ने के लिए उसके पास होता है एंजाइम्स, और एंजाइम्स का नाम है कॉम्प्लेक्स एंजाइम। दूसरी बात में जो याद रखना है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी और प्लस NADPH2 फॉर्मेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये प्रोड्यूस हो रहा है आपका स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज, ये NADPH2 जो है ना, ये कैसे बन रहा है, ये NADPH2 एंजाइम्स की वजह से बन रहा है, और एंजाइम्स का नाम है NADPH2 रिएक्टेज, ठीक है। तो हमें इतना कुछ टर्म जो है पिछले टर्म से लर्न करना है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का पानी कहाँ टूटता है, पानी टूटता है ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, और तोड़ने का जो एंजाइम्स होता है कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है जो मेम्ब्रेन के इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड में पाया जाता है। वेयर एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एटीपी और NADPH2 जो होता है वो बनता है। NADPH2 बनाने के लिए आपका NADP रिएक्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है जो आपका NADPH2 बनाता है, और जो भी बनता है ना वो बनता है स्ट्रोमा के अंदर। अब जो हमें आज का लेक्चर में हमें जो बात करनी है मेन, वो हमें बात करनी है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमें पता है साइक्लिक क्यों बोलते हैं, साइक्लिक इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन गया ना साइकिल के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ ना, वो इलेक्ट्रॉन फिर अपने पाथवे को फिर से इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल पाथवे फिर से आ जाता है। अब फॉस्फोराइलेशन हम क्यों बोलते हैं, हमने ये बोला गया है कि जब ना ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज किया जाए, क्या बनाया जाए, ATP बनाया जाए, तो हम इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। बट ये जो बना रहा है ना, इसके लिए एनर्जी आपका लाइट दे रहा है, लाइट की वजह से ये कंबाइंड हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। इतना में समझ में आ गया। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है ना, स्टार्ट होता है आपका PS1, बस इसमें एक ही साइकिल होता है, PS1 आपका साइकिल होता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले हम बनाएंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले जो है उसका पिगमेंट है, और इस पिगमेंट को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर पिगमेंट, जो क्लोरोफिल ए है, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए के चारों तरफ बहुत सारे अदर पिगमेंट है, और उस अदर पिगमेंट को ही हम बोलते हैं एक्सेसरीज पिगमेंट, जो आपका काम करते हैं सारे
और ठीक है, और जब रिएक्शन सेंटर पिगमेंट और एक्सेसरी सेगमेंट पिगमेंट दोनों साथ में होते हैं तो हम इसको बोलते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स। और इसी को अदर नाम से भी बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सिंपल से एक हमारा जो हमने पिछले टर्म में डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, ये इसका एक डायग्राम है। सिंपल से क्या हुआ, हमें याद क्या रखना है कि इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है सन से आया, और ये जो इलेक्ट्रॉन सन से आता है ना, इसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ क्या होती है, 680 नैनोमीटर की पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है इसकी। जब ये पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो आया, ये एक्सेसरी पिगमेंट से पास होकर रिएक्शन सेंटर के पास गया, तो इसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अब इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल पे। ठीक है, और हमारे लिविंग सिस्टम में इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए होते हैं पीईपी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पीईए इसको बोलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, इट इज अ हायर लेवल ऑफ एनर्जी, मतलब ये लोअर एनर्जी है और ये आपका हायर लेवल ऑफ एनर्जी, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता। अब ये क्या करता है, पीईपी क्या होता है, हायर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करता है लोअर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और पास करता है बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम से। पहले सिस्टम बोलते हैं एफडी, इसको बोलते हैं फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन तो होता है आपका, फिर से वही चीज होगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब सिंपल सा होता है एडीपी और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइंड होकर एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे, फिर आगे क्या होता है, पीक्यू प्लास्टोक्यूनिन के पास जाता है। ठीक है, प्लास्टोक्यूनिन के पास कुछ नहीं होता है, प्लास्टोक्यूनिन आगे इलेक्ट्रॉन पास करता है और पहुंचाता है आपको, इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, प्लास्टोक्यूनिन के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है सी वाई के पास, और सी वाई को हमने ऑलरेडी पता है, सी वाई क्या करता है, सी वाई को बोलते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सी वाई के पास होता क्या है, सी वाई के पास ये एक प्रोसेस का होता है जिसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब हम समझ जाते हैं हम क्या होता है, फिर से यहाँ पे एटीपी की बात करेंगे, एटीपी कैसे बनता है, एटीपी बनेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कॉम्बिनेशन की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, ये आपके और लोअर एनर्जी ऑफ लेवल को पास करता है, अब उसको बोलते हैं पीसी, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन के पास पास होके इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे लोअर एनर्जी ऑफ प्लास्टोसाइनिन है, उसके बाद ये पूरे सिस्टम में फिर से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, मगर याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन पीईए रिलीज कर रहा है ना, पीईए के पास गया, वो ऑफ हायर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा है, वेयर एज जो इलेक्ट्रॉन पीसी से आया वो लोअर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जिस सिस्टम्स के अंदर ना इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल पाथवे पे चला जाता है, उस सिस्टम को बोलते हैं साइक्लिक। साइक्लिक के दौरान एटीपी को बनना, एटीपी का बना साइक्लिक, ये एटीपी यहां बना आपका और एटीपी यहां बना। ठीक है, इस एटीपी को बनने को ही बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, मतलब साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी से लो एनर्जी मूव किया और लो एनर्जी सिस्टम के अंदर फिर से आ गया, इसी पूरे प्रोसेस को ही हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यह है कि होता कहाँ है, ये होता है आपका स्टोमिनल लैबिला के अंदर, स्टोमल लैबिला के अंदर। ठीक है, स्टोमल लैबिला के अंदर, और स्टोमल लैबिला क्या होता है, स्टोमल लैबिला वो पाइप है जो ग्रैनम को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरा चीज इंटर आपका इनर मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर रही है, स्टोमल लैबिला के अंदर होता है। दूसरी चीज, ये जो प्रोसेस होता है ना, ये सब कुछ आपका जब क्या हो, सनलाइट लेस हो, लेस सनलाइट लेस वाटर, सनलाइट कम हो, ऑप्टिमम ना हो, ये जब होता है ना साइक्लिक वाला ऑप्टिमम में होता है, बट ये क्या होता है आपका, सब सनलाइट लेस हो, कम हो, दूसरा क्या, पानी कम हो, लेस पानी। ठीक है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो, राइट, CO2 कम हो, राइट, मतलब जो भी चीज कम रहती है ना, कम कंडीशन में यहाँ पे होता है पीएस आपका 1 जिसको, और ये इसमें एक डिफरेंस और है, PS1 के अंदर 7680 नैनोमीटर पे काम होता है पूरा, वेयर एज
जो साइक्लिक में है ना, साइक्लिक में जो काम होता है ना आपका, वो आपका आपका जो स्टार्टिंग जो आपका आता है, इसमें दोनों आपका काम होता है, एक तो आपका 700 पे, दूसरा आपका 680 नैनोमीटर पे, दोनों पे लाइट पे काम होता है। तो हमें ये डिफरेंस समझ में आ गया। मेनली डिफरेंस आपको याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि भाई सिंपल सा क्या होगा, नॉन साइक्लिक जो है वो होगा थैलाकॉइड के अंदर, थैलाकॉइड ऑफ ग्रैनम के अंदर, ये होगा स्टोमेरल लैमेला के अंदर। दूसरी बात हमें याद क्या करनी है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नॉन साइक्लिक होते हैं, मतलब ओरिजिनल पाथवे पे आते नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ओरिजिनल पाथवे पे आ जाते हैं। तीसरा याद करना है, इसमें जो होता है पानी का टूटना होता है, और पानी को टूटने के लिए इंजाइम जरूरत होते हैं, और उस इंजाइम को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंजाइम, वेयर एज साइक्लिक वाले के अंदर कोई पानी टूटता नहीं है। दूसरी की बात, यहाँ पे एडीपी और एटीपी और एनएडीपीएस2 प्रोड्यूस होता है, और एनएडीपीएस2 प्रोड्यूस कैसे हो पाता है, ये हो पाता है एंजाइम्स की वजह से, उस एंजाइम को बोलते हैं एनएडीपी रिडक्टेज, वेयर एज यहाँ पे बस एटीपी ही बनता है, एनएडीपीएस2 का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इतना कुछ हमें कुछ थोड़ा सा लर्न करना है, और ये इस लेक्चर के साथ आपका जो है लाइट रिएक्शन के दोनों पाथवे के बारे में हमने डिस्कस कर लिया।